टू माय चैनल, मेरा नाम है सपना और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक जयपुर व्लॉग वीडियो, तो नहीं कहूँगी बट कुछ पार्ट्स शायद आपको व्लॉग फॉर्म में दिखेंगे इस वीडियो में। पर आज के वीडियो में मैं लाई हूँ जयपुर में मार्बल का सामान, जैसे कि मार्बल की मूर्तिज हैं, मार्बल के टेबल टॉप्स हैं और कई सारी सुंदर सुंदर मार्बल की चीज़ें आपको कहाँ से खरीदनी चाहिए और कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं। जी हाँ, अगर आप जयपुर जाते हो, वहाँ के मार्बल मार्केट में जाते हो तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप अननेसेसरली ज़्यादा पैसा ना दे दें और गलत चीज़ ना ले आएँ। तो मैं इस वीडियो में आपको वो सब बताने वाली हूँ। तो गाइज वो तो है ही, साथ में एक गिव अवे भी है। रक्षाबंधन पे मैं ये गिव अवे करना चाह रही थी बट किसी वजह से मैं नहीं कर पाई, पर चलिए कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, तो गिव अवे के लिए भी बने रहिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जयपुर में मार्बल के लिए बेस्ट जगह कौन सी है। तो जब आप बापू बाजार जाते हैं, वहीं से थोड़ा सा आगे जाके या आप कह लीजिए MI रोड से होते हुए आप एक जगह पहुंचेंगे जिसका सिंपल सा नाम है मार्बल मार्केट। किसी को भी पूछ लीजिएगा, या खजानों वालों की गली या खजाने वालों का रास्ता, इस तरह से भी आप इन मार्केट्स को जानते हैं वहां पे, तो किसी से भी पूछिएगा आपको वो बता देंगे। अब आप चाहे तो चांद पोल से या इंदिरा मार्केट की तरफ से, दोनों तरफ से आप इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं। अब लास्ट बार मैंने अपनी ब्लॉग वीडियो में मार्बल मार्केट के बारे में दिखाया था, एक पर्टिकुलर शॉप के बारे में भी दिखाया था। आज मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करने वाली हूँ क्योंकि हमने लास्ट बार उस पर्टिकुलर शॉप पे ऑर्डर दिया था और हमारा ऑर्डर तैयार हो गया है। हम लास्ट वीक गए थे, हम देख कर आए एंड ट्रस्ट मी गाइज, इतना सुंदर उन्होंने गणेश जी की मूर्ति को बनाया है और हमने एक टेबल टॉप भी बनवाया है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको भी दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास वो भी है नहीं, अभी हम उसको वहीं पे छोड़ कर आए हैं क्योंकि साथ नहीं ला सकते थे, लेकिन वो रेडी है, बहुत सुंदर बनाया उन्होंने। तो मार्बल मार्केट जब आप पहुंचो तो किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हो आप, चांद पोल से या इंदिरा बाजार से, आपको तीसरा चौराहा पता करना है। किसी से भी पूछ लीजिएगा, आपको लोग बता देंगे। तीसरा चौराहा से आपको एक गली में अंदर जाना है। अब आप किस डायरेक्शन से आते हैं उसके हिसाब से आपको लेफ्ट या राइट लेना पड़ेगा। सिर्फ तीसरा चौराहा पूछेगा और पूछेगा कि मूर्ति भंडार कहाँ पे है। तो मूर्ति भंडार एक्चुअली ये डीलर है, अब मैं शॉप तो नहीं बोलूंगी क्योंकि इनका ऊपर मकान है और नीचे बहुत बड़ी वर्कशॉप बनी हुई है जहां से ये काम भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो मूर्ति भंडार नाम है इस शॉप का, मैं आपको इनके ओनर्स से भी मिलवाऊंगी इस वीडियो में अभी। तो यहाँ से ही आप ये अपनी मूर्तियां बनवाइए क्योंकि गाइज हम जब लास्ट बार गए थे हमने पूरी मार्केट एक्सप्लोर करी। जैसे आप मार्केट में एंटर करोगे आपको बहुत सारी शॉप्स और बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स और शॉप्स दिखाई देंगी, लेकिन प्राइसेस का कुछ कह नहीं सकते, आपको डबल डबल प्राइस भी ये लोग कोट करेंगे। और जहाँ तक सवाल है मार्बल का, तो ये भी श्योरिटी नहीं होती है कि वो कितना जेन्युइन है, कितना ऑथेंटिक है। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें वहाँ मकराने नाम के पत्थर की बनती हैं जो कि एक अच्छा पत्थर माना जाता है, बहुत प्योर माना जाता है और अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो मकराने के पत्थर की ही ये ज़्यादातर मार्बल की चीज़ें बनती हैं। तो कई लोग थोड़ा सा जिसको कहते हैं सिंथेटिक मार्बल, फेक मार्बल भी मिक्स करते हैं, तो आपको ये बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा इस बात को। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ गाइज, मैंने और बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर करी, फाइनली मैं मूर्ति भंडार पहुंची और हमने अपना जब प्रोडक्ट बनवाया उसको देखा, इतना पसंद आया कि मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर कर ही लेना चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी कोई इन लोगों के साथ कोलैबोरेशन नहीं है, कोई मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मैंने अपना जो कीमत उन्होंने मांगी मैंने वो दी और बस ये है कि मुझे अच्छा लगा कि वो लोग ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन हैं, कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं और बहुत अच्छा उनका काम है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्योर मार्बल है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मैं उनके नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से खरीदेगा, आपको प्राइजेस में भी काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा। प्राइजेस एकदम एग्जैजरेट करके वो नहीं बताएंगे आपको, एकदम रीजनेबल प्राइसेस बताएंगे। हमने एक टेबल टॉप भी बनवाया था, आई थिंक 1.25 फुट का या 1.5 बाय 2 फुट का, और उस पर इनले का काम करवाया है जो बहुत सुंदर पत्ती का काम होता है जो अंदर की तरफ होता है, ऊपर से एकदम स्मूथ रहता है, तो वो भी उन्होंने बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको फोटोज के थ्रू जरूर दिखाती हूँ। तो ये है गाइज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जयपुर के मार्बल मार्केट का और पर्टिकुलर शॉप का, मूर्ति भंडार का, जहां से मैंने अपने लिए मार्बल की चीजें मंगवाई, अपने घर के लिए मार्बल की चीजें मंगवाई। तो आइए आप इनके ओनर से खुद ही थोड़ा सा सुन लेते हैं कि वो किस टाइप का मार्बल यूज करते हैं और बाकी की डिटेल्स। बारे में मकराना पत्थर ही यूज किया जाता है। आजकल पत्थर इतने ऐसे हो गए, जैसे वियतनाम हो गया,
अंबाजी हो गया, राजनगर हो गया, जीरी हो गया, तो सबसे बेहतर पत्थर होता मकराने का पत्थर होता है। और इसका इसमें काम भी विशेष अच्छा, मतलब बढ़िया काम हो जाता है इसमें। जैसा आप चाहो, जैसे कस्टमर जैसे चाहे वैसा काम हो सकता है इसमें। और ये कहाँ मिलता है मकराने का? ये मकराना में ही मिलता है। मकराना में ये समझो कम से खदाने, ये समझो कि 150-200 फीट गहराई से पत्थर निकल जाता है, बहुत नीचे अंदर पानी तक निकल जाता है उसमें, फिर भी पानी को साफ करके वो पत्थर निकाला जाता है, वो पत्थर बहुत बढ़िया रहता है। आपकी मूर्तियों की स्थापना कौन कौन से मंदिरों में हो चुकी है? हमारी मूर्तियों की स्थापना बहुत सारे मंदिरों में हो चुकी है, जैसे बिरला मंदिर है, अपने हरिद्वार में भारत माता मंदिर है, सिद्धलोक आश्रम बहुत सारे, उत्तरमकेश्वर है, बहुत सारी जगह हो चुकी है, बम्बई में भी हो चुकी है, बम्बई में भी है आपके, इधर में सप्लाई होती है, यहाँ से होती है, हिंदुस्तान में भी जाती है और बाहर भी जाए, अमेरिका, अभी अमेरिका ही जाने वाली, यूएस जा रही है। तो गाइस ये था मूर्ति भंडार में, हमने एक छोटा सा ये रिकॉर्डिंग किया था आप लोगों के लिए। तो वो सब खुद ओनर्स हैं, ब्रदर्स हैं, उनके बेटे हैं जो ये सारा काम अपना करते हैं। जब भी कभी आप जाएं मूर्ति भंडार और कुछ बनवाएं तो मेरे से शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब मैं आपको गिव अवे के बारे में बता देती हूँ, बट उससे पहले एक और चीज गाइस, एक बहुत ही बढ़िया जयपुर हॉल वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे करने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लिटिल बेल है उसको जरूर जरूर दबा दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरी लेटेस्ट वीडियोज के। तो आइए अब गिव अवे में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास क्या है। इस बार तो जयपुर का कुछ नहीं है, लेकिन हॉल वीडियो में भी गिव अवे होगा जिसमें मैं आपको कुछ जयपुरी स्टफ देने वाली हूँ। तो इस बार गिव अवे में मैं एक लकी विनर को देने वाली हूँ ये बहुत ही अमेजिंग शार्जल्स। ये एक ब्रांड है बॉडी क्यूपिड, जिससे मैं ये शार्जल्स हमेशा खरीदती हूँ। ये कई सारे वेबसाइट्स पे जैसे कि अमेजोन, वाओ, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, सब पे अवेलेबल है। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मैं ये दो फ्लेवर्स के ग्रेप फ्रूट ब्लश एंड लव नेस्ट, आई एम गोइंग टू गिव अवे दीज टू फ्लेवर्स टू वन लकी विनर। दीज आर absolutely stunning, they're very delicious, they just make your pairing experience so luxurious. So one lucky winner is going to get these chargers. So to participate in the giveaway, you have to subscribe to my channel, comment below this video that you have participated in the giveaway, and also guys is video ke bare mein bhi zarur comment kariye, bataiye aapko kaisa laga ye sara information jo maine aapse share kiya, aur jaipur ke bare mein kuch specific cheeze aap janna chahte hain to zarur bataiyega. Meri purani vlog aur haul videos ko zarur check kariyega, sab mere channel pe hain. Main regularly jaipur ke haul aur vlog videos karti rehti hu, to main aapko jaldi se milungi apne next वीडियोस में गाइस। और सैटरडे से आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज ऑन माय चैनल फॉर वन एंटायर वीक, आई एम श्योर यू गाइस विल लव दैट सीरीज। सो सैटरडे से स्टार्ट होके पूरा हफ्ता वो सीरीज मेरे चैनल पे चलेगी, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड हिट द लिटिल बेल, कमेंट, लाइक, शेयर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।